दोस्तों सबसे बड़ी टेलीकॉम न्यूज सबसे पहले आपका भाई लेके आया है, स्क्रीन पे देख लिया होगा दोस्तों, मैं थंबनेल देख लिया होगा, जहां पे भारत सरकार डीओटी ने बड़ी पेनल्टी यहां पे ठोकी है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया वीआई को दोस्तों, ऑलमोस्ट 3,550 करोड़ ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ दोस्तों पेनल्टी यहां पे ठोकी है। ये पेनल्टी दोस्तों अभी इस टाइम पे क्यों करी है और इसका साइड इफेक्ट दोस्तों देखने को मिला, जहां पे वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल के शेयर में कड़ाके की दोस्तों यहां पे गिरावट देखने को मिली है। किस तरह से दोस्तों कंपनी मैनेज करेगी और ये पेनल्टी किस बात की दोस्तों यहाँ पे ठोकी है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं टेलीकॉम न्यूज सबसे पहले 100% ऑथेंटिकेशन के साथ आपका भाई टेक्नो नील देता है, इसी बात पे एक थम्स अप कर जरूर दे देना हमारे वीडियो को दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों डीओटी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से दोस्तों यहां पे एक बड़ा पेनल्टी ठोका गया है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को 3,050 करोड़ का, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ की पेनल्टी दोस्तों ठोकी, जो 3 वीक यानी 21 दिन के अंदर देने पड़ेंगे। 3,000 करोड़ बड़ी अमाउंट है, खास करके वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी के लिए, तो 3,000 करोड़ में दोस्तों कितना कितना इनकम बनता है, क्यों ठोका है, क्या कारण था उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट आस्क वोडाफोन आइडिया एयरटेल टू पे 3,050 करोड़ इन पेनल्टीज इन 3 वीक्स, 3 वीक्स यानी 21 दिन के अंदर इन्हें 3,050 करोड़ देना होगा वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल को। यहाँ पे द डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन डीओटी हैज इशूड द नोटिस टू वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल टू पे 3,050 करोड़ क्यूमुलेटिव पेनल्टी, दोस्तों क्यूमुलेटिव पेनल्टी चक्रवर्ती पेनल्टीज को बोल सकते हैं हम यहाँ पे, विद इन द 3 वीक्स द फ्लोटिंग द लाइसेंस कंडीशंस बाय डिनाइंग रिलायंस जियो इन्फोकॉम एडिक्वेट पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन। ये दोस्तों 2016 की बात है, बता दूं जब 2016 में रिलायंस जियो नया नया था, आपने सभी ने देखा था एक टाइम के बाद दोस्तों आइडिया, तब वोडाफोन आइडिया का मर्जर नहीं हुआ था, वोडाफोन अलग था आइडिया अलग था, आइडिया वोडाफोन एयरटेल ये कंपनियां दोस्तों इनके कॉल्स लगने नहीं देती, क्योंकि आपको पता है ना 2016 से जब जियो आया था उसने अनलिमिटेड कॉल्स दिए, अनलिमिटेड मैसेज दिए, डेटा बहुत सस्ता कर दिया, तो ये कंपनियां ऐसा एलिगेशन जियो ने लगाया था और वो चीज प्रूव भी हुई किसी हद तक, तभी इनको पेनल्टी लगी थी। इन तो दोस्तों यहां पे जियो के फोन नहीं लगते थे, जियो वाला अगर एयरटेल का फोन लगेगा नहीं लगेगा, लगने नहीं दिया जाएगा, नहीं लग रहा, तो पॉइंट ऑफ कनेक्शन दोस्तों इनको देना पड़ता था, यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन इसको बोला जाता है दोस्तों, ये देना पड़ता है इन कंपनियों को कि फोन लग जाए, लेकिन नहीं होता था। जियो से जिस भी नंबर पर फोन जाता था एयरटेल पे आइडिया पे वोडाफोन पे, तो मोस्टली फोन नहीं लगते थे और जियो दोस्तों भी चला गया कोर्ट के अंदर और यहां पे डीओटी पे कंप्लेन कर दी और यहां पे डीओटी ने फटकार लगाई थी इन लोगों को और कहा गया था कि आप ये नहीं कर सकते और ये गलत है यहां पे, और इस चीज को देखते हुए दोस्तों यहां पे इन पे फटकार लगी थी, जहां पे अच्छी खासी पेनल्टी यहां पे लगाई थी। अगर बात करें दोस्तों यहां पे एयरटेल पे तो 1,050 करोड़ की पेनल्टी थी, वैसे दोस्तों कुछ यहां पे 2,000 करोड़ की पेनल्टी थी वोडाफोन आइडिया दोनों पे मिलके, क्योंकि तब तक इनका मर्जर नहीं हुआ था, तो 1,050 करके ऑलमोस्ट दोनों को 2,000 करोड़ यहां पे देने थे और 1,050 करोड़ देने थे भारतीय एयरटेल, तो तीनों को मिलकर 3,050 करोड़ यहां पे देने थे, ये पेनल्टी यहां पे लगाई थी। अब इनको यहां पे फिर से दोस्तों डीओटी ने कह दिया है कि आपको 3 हफ्तों के अंदर आपको पैसा यहां पे चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर थी और इसके बाद सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है, अगर आप शेयर बाजार देखेंगे दोस्तों तो वोडाफोन आइडिया ऑलमोस्ट आज भी 4.5% टूटा, कल भी दोस्तों जब न्यूज निकल के आई थी कल भी ऑलमोस्ट 4.25% टूटा, यानी 2 दिन के अंदर 7-8% का यहां पर गया। और वैसे दोस्तों भारतीय एयरटेल के साथ भी होगा, दोनों के दोस्तों शेयर जो है यहां पर अच्छे खासे टूटे, स्क्रीन में देख सकते हैं एयरटेल वोडाफोन आइडिया शेयर फॉल शार्पली आफ्टर डीओटी पेनल्टी न्यूज, पेनल्टी की जैसे ही न्यूज निकल गई यहां पे दोनों ही कंपनी के शेयर गिरते हुए नजर आए। अब देखने वाली चीज है दोस्तों कि हमें एक तरफ भारत सरकार ने इतना बड़ा रिवाइवल पैकेज रिलीफ पैकेज यहां पे कंपनियों को दे दिया है, सारे की सारे टेलीकॉम सेक्टर को दे दिया कि 4 साल तक कोई पैसा नहीं देना है, तो कंपनियां दोस्तों रिवाइव कर रही थी, शेयर बाजार में प्राइस बढ़ रहा था, अपना नेटवर्क एक्सपेंशन कर रही थी, 5G के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन अब 3,000 करोड़ दोस्तों इन कंपनी को देना है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों को ही दोस्तों, टोटल यहाँ पे 3,000 करोड़ देना है। अब यहाँ पे दोस्तों इस चीज से इनका शेयर बाजार में तो हालत खराब है, लेकिन इनको 21 दिन 3 हफ्तों के अंदर ये पैसा चुकाना है, तो ये सबसे बड़ी दोस्तों खबर निकल गई, जहां पे डीओटी ने ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ की पेनल्टी यहां पे ठोकी, जिसके चलते हुए वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल का शेयर भी डूब रहा है, इनकी हालत फिलहाल दोस्तों यहां पे खराब होती हुई नजर आ रही है, जो पैसा है ना 21 दिन में यहां पे डीओटी को चुकाना होगा भारत सरकार को। मुझे बताइए दोस्तों आपको न्यूज कैसे लगी, वीडियो को अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगाओ थम्स अप जो देते आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए शायद दोस्तों के साथ मिलने फिर चला गया, पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं मुझे देख रहे हैं जो लाल कलर का बटन है इसको जो दबाना है, इसको दबाने से आप हमारे वीआईपी मेंबर बन जाएंगे, इसके पास देखिएगा घंटी का बटन उसको भी जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज घंटे के बटन को जो दबा देना। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं ना तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, क्योंकि इस फॉलो करने से हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हमें मोटिवेशन देते रहिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।